गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिन काफ़ी अच्छा हो रहा है और आज मेरे कॉलेज का ओरिएंटेशन है तो मैं निकल पा रहा हूँ कॉलेज के लिए। अब देख सकते हो मेरे घर के सामने का कुछ ऐसा नज़ारा है, स्काई भी काफ़ी ब्लू ब्लू है और बाकी सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। धूप हो रखी है जो कि फील नहीं होती है, बस चमकती है। और अगर मैं पीछे का नज़ारा आपको दिखाऊँ तो देख सकते हो कि इस तरीके का हमारा कुछ जो मैंने रेंट कर रखा है, एक टेम्प्रोरी स्टे, तो इस तरीके का हमारा स्टे है। अब यहाँ से मैं सिंपली बस स्टैंड जाऊँगा, बस स्टैंड जाके वहाँ से बस पकड़ के अपने कॉलेज आ जाऊँ। अब जहाँ पे भी मैं रह रहा हूँ वहाँ से बस स्टैंड की दूरी बिल्कुल ही नज़दीक में है, 2 मिनट्स लगते हैं बस स्टैंड जाने में। तो ये हमारा जो रास्ता है इसी से मैं बस स्टैंड आगे जा रहा हूँ, ठीक है। रास्ते में दोनों साइड घर काफ़ी ज़्यादा है और गाड़ियाँ लगी हुई। अभी आपने पीछे पहले गाड़ी देखी वो कि काफ़ी बेटर मुझे लगी। अभी दोनों साइड काफ़ी ग्रीन सीनरी रहती है और बहुत सारे जो जंगली गिलहरियाँ रहती ना वो बहुत सारे घूमती रहती हैं। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ दिखा नहीं तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। और देख सकते हो हर किसी के घर के आगे काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो कुछ सामने आपको कुछ एक दिख रहा होगा बस लगा हुआ, वहीं पे एक बस स्टैंड है। बस स्टॉप तो मैं पहुंच गया लेकिन मुझे जो बसेज है ना वो सामने जानी है, ठीक है। तो सामने जाने के लिए मुझे उस तरफ वाले बस स्टॉप पे जाना होगा। तो मैं सिंपली यहां से रोड क्रॉस करके उस साइड चला जाऊंगा और वहां से बस मैं कॉलेज के लिए पकड़ लूँगा। अब देखो रोड तो बिल्कुल अभी खाली है, कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही है, तो मैं क्रॉस कर लेता हूँ और ये हमारा इस साइड वाला बस स्टॉप है। तो मैं अभी काफ़ी देर 5 मिनट बस स्टॉप पे वेट करने के बाद फाइनली हमारी बस आ चुकी है। तो मैं सिंपली जाके बस अपना पकड़ लेता हूँ और फिर चलते हैं कॉलेज की तरफ। अब देखो जो बस है ना वो बिल्कुल हमारे कॉलेज के कैंपस में आके भी रुकती है, तो हम लोग वहाँ पर उतर जाएंगे। उसके बाद देखो सामने ही स्टूडेंट सर्विस सेंटर है, यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन के लिए जाएंगे। सामने लिखा हुआ है वेलकम टू ओरिएंटेशन और इस तरीके का कुछ हमारा बिल्डिंग्स है। तो मैं सामने आगे की तरफ बढ़ता हूँ और देखते हैं आगे क्या क्या होता है, ठीक है। अब ओरिएंटेशन तो मेरा हो गया जिसको मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया, तो वहाँ पे हमने अपने क्लासरूम्स देखे, जो हमारे टीचर्स हैं उनसे बात हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद फिर आई बारी खाने पीने की। तो इस तरीके का एक बड़े से हॉल में जहाँ पे हमारा गेम्स का हॉल होता है वहाँ पर सारे चीज़ें लगी हुई थी, ठीक है। जितने भी सिम वाले होते हैं या फिर जो भी GCA से जो कॉलेज का एसोसिएशन होता है उन सभी की तरफ से सारे स्टॉल्स थे, जो भी खाने की चीज़ें थी वो थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। अब देखो पिज्ज़ा खा के कोक्स पी के मैं फिर बाहर आ गया, ठीक है। अंदर और भी चीज़ें थी जो कि खाने पीने की थी, सब खा के फिर बाहर में एक छोटा सा समोसा और साथ में चटनी मिला, वो भी खाया मैंने और काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं थोड़ा कॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए इधर अलग अलग बिल्डिंग्स में घूम रहा हूँ, ठीक। अब देखो सामने ये जो है ना वो लाइब्रेरी एंड एकेडमिक सक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और साथ साथ में बहुत सारी बुक्स हैं, तो यहाँ पे आके अगर पढ़ना होता है तो पढ़ते हैं, या फिर हमें कुछ कंप्यूटर्स पे काम होता है छोटा मोटा या फिर कुछ भी प्रैक्टिस करना होता है तो यहाँ पे भी नॉर्मल सभी लोग आके कर सकते हैं। अब देखो सारी चीज़ एक्सप्लोर करने के बाद मैं आ गया कैंपस के बाहर। अब टाइम आ गया है घर जाने के लिए, तो मैंने कोक उठाया और कोक पीते हुए हम लोग चल दिए वापस बस स्टैंड की और बस मैंने पकड़ी और अब जा रहा हूँ घर पे।
अब ओरिएंटेशन में हर एक स्टॉल पे कुछ कुछ गिफ्ट्स थे जो कि हम लोग ला सकते थे। तो जैसे मैंने ये एक पाउच लिया जहाँ पे मैं अपना वन कार्ड या क्रेडिट कार्ड रख सकता हूँ, कुछ पेन है, एक गॉगल्स है, एक मिरर है, ऐसा ये मैं उठा के लेके आया था वहाँ पे, और साथ में स्टूडेंट प्लानर है और एक बॉटल भी था, और ये एक हाईलाइटर है जिसमें तीन कलर्स थे, ये आई डोंट नो क्या है, रिंग है आई थिंक, तो इसमें लाइट्स भी जलता है, तो वो भी मैं लेके आया था। साथ में CIBC के वाले काउंटर पे इस तरीके का कुछ एक पाउच मिला था, शायद इसमें खाना रखने का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और GCSE की साइड से एक अपना टी शर्ट भी मिल रहा था। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, ऐसे ही आगे सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, और लाइक करना भूलना मत, हो सके तो कमेंट भी करते रहो यार, अच्छा लगता है कमेंट देख के। फिर अगली किसी वीडियो में।